अस्लान की बिरयानी तो ऐसी होती है फेमस। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज हम जाने वाले हैं ट्राई करने कोलकाता की फेमस बिरयानी। तो आज हम जाके ट्राई करेंगे अस्लान की बिरयानी, उनके मटन बिरयानी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कोलकाता में। अगर आप कोलकाता से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा अस्लान, आपने ज़रूर खाया होगा अस्लान में। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो गाइस अभी हम अंदर आके बैठ गए हैं और अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जैसा कि अभी दुर्गा पूजा स्पेशल मेनू चल रहा है ना, तो मतलब देख सकते हैं आप, मतलब पूरा भीड़ ही भीड़ है। मतलब इतना ज़्यादा कि जगह भी नहीं है लोगों को। मैं तो जल्दी आ गई और मेरे को सीट मिल गया, तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है, तो आता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। ऑर्डर किया था ये देखिए मटन बिरयानी और ये तंदूरी कबाब, जो दो पीस मैंने लिया है, हाफ प्लेट बोला जाता है। तो यहाँ दो पीस मैंने तंदूरी कबाब लिया है और ये है मटन बिरयानी। ये देखिए आप मटन बिरयानी से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इनका पीस। तो ये देखिए ये है तंदूरी कबाब और इसका पीस देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा पीस होगा। नॉर्मली मैं पहले आई थी तो इसका पीस थोड़ा छोटा था, बट अभी बड़ा है। तो चलिए अब इसको खाते हैं। यहाँ पे आपको मिंट मिल का डीप मिल जाएगा और साथ ही में आपको यहाँ पे सैलेड भी मिल जाते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। शॉट के चक्कर में ये ठंडा हो गया था, बट सॉफ्ट है खाने में और टेस्टी है। मसाला मतलब बहुत अंदर से अच्छी तरह में घुसा हुआ है। तो अब आती है बारी मटन बिरयानी की। ये देखिए पीस तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि अभी मैंने जब ऑर्डर दिया था ना, तो पीस में मतलब वो ना के बराबर टूटा हुआ पीस आया था, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने बाद में फिर ये पीस मुझे दिया। तो ये पीस काफ़ी ठीक ही है, मतलब बड़ा पीस ही लग रहा है। ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा साइज में 100 ग्राम्स का तो होगा ही, इतना तो मुझे पता है। और ये देख सकते हैं आपको रियाजी पीस है ये पूरा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ आलू को तोड़ते हैं और ये मटन के पीस। इतना सॉफ्ट है देखिए आप पीस। जो मटन का पीस था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और जो ये आलू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मसाले वाली आलू है। मतलब ये इसको मटन के मतलब ग्रेवी में ही पकाया जाता है, इसीलिए इतना मसालेदार होता है। और जो चावल है ये देखिए बहुत ज़्यादा मतलब खुला खुला है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ पूरा मसालेदार चावल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है मुझे। अस्लान की बिरयानी तो ऐसी होती है फेमस। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इनका जो मटन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि नॉर्मली बिरयानी में होती है। और अस्लान बिरयानी अगर आपने ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि इसका मटन का जो पीस होता है वो बहुत ही अच्छे से पकाया जाता है। ये देखिए एक और बाइट लेते हैं इसका, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आज का मेरा जो एक्सपीरियंस था बिरयानी का, मतलब अस्लान में, बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने अस्लान का बिरयानी खाया और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा वहाँ का बिरयानी। ऐसे तो मैं पहले भी यहाँ पे आके खा चुकी हूँ, बट आज थोड़ा डिफरेंट ही लगा।
तो जो मैं आज जहाँ पे गई थी वो था जैसर रोड आउटलेट, असलान का जैसर रोड आउटलेट। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट आउटलेट कौन सी है असलान की। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक का था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।